नमस्कार साथियों, यदि आप बिहार बोर्ड 10th स्कॉलरशिप 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी का इंतज़ार जल्द ही समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है 10th स्कॉलरशिप 2021 को लेकर। जो राशि थी 423 करोड़ की राशि मंगलवार को जारी कर दिया है। इसके संबंध में पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास छात्रों के लिए 423 करोड़ रुपये की राशि मंगलवार 21 दिसंबर 2021 को जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 423 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 योजना के तहत जो है जारी किया गया है और इसकी सूचना जो है मंगलवार को जारी किया गया है और महालेखाकार को भी दे दी गई है। आप सभी यहां पर जानेंगे कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है 249 करोड़ 14,60,000 रुपये जारी किए गए हैं। इससे जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं पिछड़ा वर्ग के योजना के तहत जो है 174 करोड़ 87,90,000 रुपये जारी किए गए हैं और इसमें भी जो है 10,000 रुपये की राशि प्रति विद्यार्थी को मिलेंगे। इसके अलावा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है वही जो है इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसकी जानकारी भी हम आप सभी को इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च करना है kosistudy.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च करना है kosistudy.com। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार स्कॉलरशिप का एक सेक्शन बना हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आते हैं तो जितनी भी स्कॉलरशिप राशि जारी किया जा रहा है उसकी लिस्ट आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन अप्लाई, आपको इस लिंक को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं इसके बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी दी गई है, जो भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पर 100% ऑथेंटिक जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो स्टूडेंट 10th पास आउट हो चुके हैं 2021 में, उनको जो है यहाँ पर ये राशि दी जाएगी। चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल हो, दोनों को दी जाएगी, विवाहित हो या फिर अविवाहित हो। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप सभी जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखिए और सबसे बड़ी बात जो है जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। और जो आय प्रमाण पत्र जो आप बनवाएंगे वो 1.5 लाख रुपये से कम की होनी चाहिए, ठीक ना। तो आप जो है 80,000, 90,000, 1 लाख इतना तक का बनवा लीजिए, आपका इससे काम हो जाएगा। क्योंकि जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा तो अप टू डेट टाइम का जो है जाति आवासीय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके बाद जो है आप अपना बैंक खाता जो है ज़रूर ओपन करवा लीजिए, जिससे कि आप सभी को इस समय कोई भी दिक्कत ना हो। बिहार स्कॉलरशिप से संबंधित और भी जानकारी यहां पर दी गई है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। बाकी जो है यहां पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्कॉलरशिप राशि जारी की जाती है उसकी जानकारी आप सभी को बिहार स्कॉलरशिप सेक्शन में देखने को मिलेगा, आप सभी यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी आएगी हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।